राजस्थान की सियासत में खूब चर्चा है हनुमान और रावण के गठबंधन की, और सवाल पूछा जा रहा है कि ये किसकी लंका लगाएंगे। जयपुर में मेरे साथ हैं चंद्रशेखर आजाद, जो एएसपी पार्टी के प्रमुख हैं, और साथ में हनुमान बेनीवाल, जो सुप्रीमो हैं आरएलपी पार्टी के, और दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन किया है, जाट और दलित समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान जी, किसकी लंका आप लोग लगाने वाले हैं, ये जो गठबंधन हुआ है? ये तो लंका भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, दोनों की जल गई यहाँ पे, और निश्चित रूप से इतना जबरदस्त वोट होगा, आप अंदाज भी लगे थे किस तरह नौजवान वोट करेगा। और अभी इस रैली के अंदर जो आप देखोगे कि किस तरह चंद्रशेखर जी के और आरएलपी के समर्थक किस जोश के साथ आए, अपने अपने साधनों से। सबसे बड़ी बात है कि रैली में सब अपने अपने साधनों से आए, पूरे राजस्थान के हर कोने से आए बच्चे, और ये शाम तक ये संदेश लेके जाएंगे राजस्थान की गांव ढाणी के अंदर कि हमें जयपुर की सत्ता पे कब्जा करना है। सत्ता का बहुत नजदीक है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर बाद सचिवालय, वहां हम कैसे पहुंचे, यहाँ तक के तो रास्ते जानते हैं। और ये जो दलित किसान, शोषित कमेरा किसान, ये लड़ाई है। अब ये दलित जाट की नहीं, जाट यादव गुजर मीणा दलित मुस्लिम, ये तमाम समाज, और जिस तरह दूसरे समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा में भी ऐसे लोगों की जिनके टिकटें बेच के कई लोगों को टिकट काटी बेचारों की, जो भले लोग हैं, तो उनको भी प्रयास करें, उन लोगों को, कुछ लोगों को मौका मिले। और निश्चित रूप से गठबंधन 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट अकेला गठबंधन राजस्थान में लेगा, जो 4 करोड़ पोल होगा, 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट ये गठबंधन राजस्थान में लेगा। चंद्रशेखर, नया प्रयोग इस बार आपने किया है राजस्थान में, क्या उम्मीदें हैं और क्या दावे हैं आपको क्या लगता है 200 में से कितनी सीटें आपका गठबंधन जीत पाए? नया प्रयोग नहीं है, बहुत पुराना प्रयोग है, और तब गए तब जब मुल्क आजाद भी नहीं हुआ था, जब तमाम लोग तमाम तरह की लड़ाई लड़ रहे थे, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम किसान कमेरों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी गठबंधन को, पुराने गठबंधन को, एक नेचुरल गठबंधन जो एकता गठबंधन है और जिससे गांव में खुशहाली आएगी, उस प्रयोग को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबको अजमा के लोगों ने देख लिया। आप वोट पूछ रहे हैं कितने पड़ेंगे, सीट कितनी आएंगी, 80 लाख लोगों ने पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, ये वो वोट है जो इनको कभी मिलेगा ही नहीं। उस 80 लाख वोट को, जो वोट अभी बिखरा हुआ था, उसको संगठित कर रहे हैं, और प्लस जो नए अवसर, क्योंकि सताए गए तो अगली पिछली सीटें मिलती हुई नजर आ रही है आप लोगों को। अब ये यहाँ का जो कैलकुलेशन है, 50 से 60 हजार पे एक एमएलए जीता है, 80 लाख वोटों का कैलकुलेशन आप लगा लो, सीधे सीधे 80 सीटें तो यही बैठती है। और उसके अलावा जो हम नए प्रयोग कर रहे हैं कि जो काम करने वाले, मेहनत करने वाले, टिकाऊ मेहनती जो लोग हैं, जिनका जनाधार है, जो ना बीजेपी से खुश है ना कांग्रेस से खुश है, और जिनको गांव के लोग चाहते हैं इनको आगे बढ़े, उनको हम लोग टिकट दे रहे हैं, तो बहुत व्यवस्थित तौर से जो किया जा रहा है उसके परिणाम 100 सीटों के पार जाएंगे, 100 सीटों के पार जाएंगे। राजस्थान में सियासत कांग्रेस बनाम बीजेपी की रही है बीते कई सालों से, क्या इस बार ये तीसरा मोर्चा करिश्मा करेगा, ये बताइए। सिर्फ 2 पार्टियां आप एक साथ आए, बेहतर नहीं होता इसमें आम आदमी पार्टी भी होती, आदिवासियों की जो दक्षिण राजस्थान के हिस्से में एक नई पार्टी बनी है वो पार्टी भी होती, तो कहीं ज्यादा बेहतर आप चुनौती दे पाते, और जो आपका दावा है वो ज्यादा सही मालूम पड़ता। चंद्रशेखर जी ने 80 लाख वोट जो 18 का बताया, और इन्होंने कहा कि हम बहुत जबरदस्त, और वोट जो नौजवान वोट जुड़ा है वो 90 लाख है, वो 80% पोल करेगा, और 80% हमारे मोर्चे को पोल करेगा। और हमने राजस्थान की ट्राइबल पार्टी से हमारी बात चल रही है, लेकिन चलिए हम चाहते हैं कि उनके साथ भी हमारा गठबंधन हो, गठबंधन के रास्ते खुले हैं, हम बड़े मन के हैं दोनों, हम चाहते हैं कांग्रेस भाजपा को हम रोके राजस्थान के अंदर। और रही आपने आम आदमी पार्टी बात, उनके रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, वो दिल्ली से कहां से होते हैं कहां से नहीं होते, अगर वो भी पहले बात करते तो हमने मना किसी को नहीं किया। मजबूत लोग अगर मोर्चे में शामिल होना चाहते हैं उनका भी हमने स्वागत किया। क्यों लगता है, लेकिन आप लोगों को, चंद्रशेखर आप भी इसका जवाब दें, एक तरफ अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री, 15 सालों के मुख्यमंत्री और कई गारंटियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लोग क्यों चंद्रशेखर और हनुमान बेनीवाल के चेहरे पर भरोसा करेंगे, आप बताइए। 15 साल से 3 बार मुख्यमंत्री, जनता खुशहाल है, जनता के घरों के हाल देखे, जनता के पेट के हाल देखे, नौजवानों के हाल देखे, पेपर लीक होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, झूठे वादे, तो क्यों गारंटी देनी पड़ रही है? अगर हमारे सीएम क्या हनुमान बेनीवाल को बनवा रहे हैं आप? अगर हमारे मोर्चे में दम नहीं तो आपको गारंटी क्यों देनी पड़ रही है? ऐसे ही वोट मांगो जैसे पहले मांगते आए हो, आपके डर से गारंटी नहीं, नहीं, जनता के विरोध की वजह से गारंटी देनी पड़ रही है। और जनता ने तय किया कि देखो, जब विकल्प नहीं था भाई, तब लोगों की मजबूरी थी कि इनको हराओ और इनको जिताओ, 5 साल जिससे पीड़ित होते थे, दूसरे की तरफ देखते, अब विकल्प है। वो जो नौजवान है, चाहे वो अग्निवीर के नाम पर ठगा गया हो, या भर्तियों के नाम पर ठगा गया हो, या भ्रष्टाचार के नाम पर ठगा गया हो, या जिस तरह से उनके सपने कुचले गए,
कि बसों में बैठ के पेपर लीक। क्या हनुमान बेनीवाल अगले मुख्यमंत्री बन पाएंगे राजस्थान? बन पाएंगे, बनाने जा रही है राजस्थान की जनता। और हम जो, मैं फिर कह रहा हूँ, गांव में जाके हाल देखो। देश की जो बड़ी आबादी है वो गांव में निवास कर, प्रदेश की बड़ी आबादी गांव में निवास करती है। और गांव में हाल ये है कि जो दूरियां बनाई गई थी भाईचारा तोड़ के, वो इकट्ठे हो रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं, हमारे जो लोग आए ना बस में, ऐसे आए कि भाई एक तरफ तुम बैठो डंडा पकड़ के, दूसरी तरफ हम बैठेंगे और दोनों मिलके सफर तय करेंगे जयपुर का। ये बताइए, आप भी किंग बनने के लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किंग मेकर बने, सत्ता की चाबी आपके पास रही, तो सत्ता किसको सौंपेंगे? कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे या बीजेपी का कमल खिलाएंगे? सत्ता सौंपेंगे थोड़े ही, सत्ता पर हम कब्जा करेंगे, सौंपेंगे सत्ता? कांग्रेस बीजेपी के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ सत्ता हमारी और राजस्थान के तरफ। इच्छा के मुताबिक आपको 100 सीटें नहीं मिली, आपकी मदद से सरकार किसी की बनती हो? आप बनेगी नहीं, हमारी मदद से नहीं बनाएंगे हम सरकार इनकी दोनों की, ठीक है? हमें मिलेगी। और ये शुरुआत है देश की राजनीति में, एक नया अध्याय की शुरुआत है राजस्थान से। ये राजस्थान से एक नया अध्याय की शुरुआत होगी, ये पूरे देश में चलेगा। और आने वाले समय के अंदर ये मोर्चा देश का प्रधानमंत्री तय करेगा, समय लग सकता है। ये दलित, किसान, जाट, गुजर, मीणा, ये तो सारा जुड़ पड़ा। एनडीए और इंडिया के अलावा एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे? वो तो है ही, वो तो बना हुआ, मैं तो उसमें ही हूँ तीसरे मोर्चे में, और ये भी उसी के अंदर है, हम उन दोनों में नहीं है। तो एनडीए, अगर पिछले मोर्चे अच्छे होते और आपने जो शुरुआत करके दलित कहा, जातियों में बांटिए, ये किसान, कामगार, मेहनतकश लोगों का गठबंधन है। और ये नौजवान और उन बहनों के विश्वास का है जो राजस्थान में ठगी गई। आज भी गैर बराबरी और रेप हत्याएं होती है, इसका जवाब है मुख्यमंत्री पे। जनता ये नहीं पूछेगी कि आपने 15 साल के उसमें एनसीआरबी का डाटा कहता 50,000 महिलाओं का शोषण होता, इसका जवाब है मुख्यमंत्री पे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इस बार राजस्थान सुरक्षित हाथों में जाना चाहता है। इस बार नौजवान, किसान, हर कमजोर वर्ग अपने अपने अधिकारों को सुरक्षित देखना। अगर आखिरी में पूछूंगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग जितनी मजबूती से लड़ेंगे, फायदा बीजेपी को होगा, नुकसान कांग्रेस का होगा, इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास? कांग्रेस से गुलाम है लोग, आप ये बताओ, ये जनता कांग्रेस की गुलाम है क्या? जिस बात को आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जिसकी इतनी आबादी उतना हक, इस बात को तो माननीय कांशीराम साहब 30 साल पहले कह रहे थे। तो हमारे लोग तो ये जानते हैं, उन्होंने भरोसा किया जब तक हमारे मोर्चे नहीं थे। अब उस मोर्चे में देखो, 1 और 11 होते, आज लोगों का विश्वास बढ़ गया है। पहले आरोप लगाए जा रहे, जबकि हनुमान जी बेनीवाल खुद में मजबूत है, लेकिन आरोप लगाए जा रहे थे कि भाई सब लोग वोट नहीं करेंगे। लेकिन जब तो रहे हैं आप, तो रहे बीजेपी में, बीजेपी के साथ पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ा, क्या ये बीजेपी का बी प्लान बी है? ये सवाल उठ रहे, आप समझ ही नहीं रहे हो। ये 18 का जो विकल्प था, उस समय आजाद जी की पार्टियां नहीं लड़ी थी 18 के अंदर, पार्टी शायद थोड़ी लेट बनाई, लड़ाई लड़ रहे थे लंबे समय से। हाँ, तो 18 के अंदर मैं जब लड़ रहा था, तब ये नौजवान राजस्थान का जिस तरह सड़कों पर आया, और उन्होंने कई निर्दलीय जीताए, कई कुछ किए, तो कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने, वेंटिलेटर में नहीं आने, और भाजपा को बेहतर पे धकेल दिया था। अब तो हम दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, और 5 साल विपक्षी भूमिका आरएलपी ने यहाँ पे निभाई। ये देश में लड़ाई लड़ रहे थे, यहाँ लड़ रहे थे, हर काटने के लिए नहीं सरकार। आप किसान आंदोलन में हम दोनों थे, पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, हम दोनों वहां पे थे। आप ये दलित शोषित पीड़ित तबके की हम बात करें, साथ साथ सर्व समाज इस बार राजस्थान को बचाने के लिए वोट करेगा। और ये मोर्चा 1 नंबर का बड़ा मोर्चा भी हो सकता है राजस्थान के अंदर। इस एकता का प्रशिक्षण, और आप बड़े सीनियर पत्रकार हो दिल्ली के, आपने खतौली में नहीं देखा कि किस तरह 3 बार बीजेपी की जीती सीट को हमने उनसे छीन लिया उन्हीं की सरकार में? ये एक नेचुरल अलायंस है, इसमें प्यार है, इसमें विश्वास है, ये एक दूसरे के सहयोगी हैं। और आज से नहीं, तब जब गुलाम थे, बहुत प्रयास किया गया कि अलग अलग हो जाए, अब अलग अलग नहीं होंगे। ये एकता का तो आज तो ये पत्थर रखा गया है, जो एकता तो पुरानी थी, अब उस पर रंग चढ़ाएंगे नौजवान। ठीक है, तो क्या रंग लाएगा ये गठबंधन, ये तो नतीजों में पता चलेगा। लेकिन आखिरी में ये जो दिलचस्प तरीके से कहा जा रहा है कि, हालांकि आप चिढ़ते हैं इस बात से, लेकिन आपको रावण के तौर पे भी लोग जानते हैं, रावण हनुमान गठबंधन, ये जो बात कही जा रही है, इस पर आपको क्या कहना है? प्रदेश की जनता को बचाने के लिए एक सकारात्मक निर्णय, और इसलिए लिया गया कि ये दो हाथ मजबूत जो है इस प्रदेश के भविष्य का फैसला करें, और इसके प्रदेश के भविष्य का फैसला जनता को करना है। हनुमान जी, आपने रावण से हाथ मिला लिया? ये मेरे भाई हैं, और शुरू से मैं इनको पसंद करता हूँ। ये तो कहने को इनको उपाधि दे दी गई, लेकिन बहुत सीधे, सरल और जबरदस्त अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं। इनका भी जिस तरह पार्टियों ने हमें जेलों में डाला, हमें रोकने, इनको भी बहुत तंग किया गया पार्टियों ने। और ये व्यक्ति अभी जब हमला हुआ, गोली चली, उन परिस्थितियों में निकल के आया है, ये खरा सोना है। ये हम मिलके राजस्थान को सुरक्षित रखेंगे। ये तय है कि आपको इस बार जब उपचुनाव के अंदर बोर्ड देखा होगा हमारी पार्टी का, और हम दो मिल गए, तो बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान में, सत्ता
हमारे मोर्चे की राजस्थान के अंदर बने। लड़ाई किससे आपकी, कांग्रेस से मानते हैं बीजेपी से मानते हैं, लड़ाई किससे? लड़ाई नहीं है, तो दोनों से लड़ाई है हमारी। आपकी किससे लड़ाई है चंद्रशेखर जी? हमारी लड़ाई हर उस व्यक्ति से है जो यहाँ की जनता की खुशहाली का विरोध कर रहा, जिसने यहाँ की जनता को ठगा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक नारा यहाँ बना, चंद्रशेखर और हनुमान फतेह करेंगे राजस्थान। ये दो दिन में बना, और ये किसने बनाया? ये गांव की जनता ने बनाया। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये जनता की खुशहाली का, गरीबों के चेहरों पर चमक लाने का अलायंस है, और ये आपको परिणाम के रूप में आगे बढ़ता दिखाई दे। दिन बढ़ते जाएंगे और लोग इरादे पक्के होते जाएंगे। तो चंद्रशेखर और हनुमान क्या जीतेंगे राजस्थान, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर इन दोनों नेताओं के साथ आने से चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, किंग बनेंगे, लेकिन जाएंगे लेफ्ट हैंड में जैसे भाजपा वालों की, लेकिन देखना होगा कि क्या ये गठबंधन किंग मेकर बनता है और ऐसी परिस्थिति में खुद किंग बनता है या फिर किसे किंग बनाता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, जयपुर।